गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड होप करना सब ठीक हो। सत श्री अकाल सब नू। और यहाँ पे हमारी ट्रिप की पैकिंग शुरू हो गई, हो चुकी है एज यू कैन सी। सो और यहाँ पे हमारे पास एक पार्सल भी आया है आज, तो आज हम इसको करेंगे अनबॉक्स। और इसका ये है snackable.com से। तो मैंने एक्चुअली इनका बहुत मतलब बहुत बढ़िया पेज है इनका इंस्टाग्राम पे, एंड इन्होंने थैंक यू फॉर दिस बॉक्स, इन्होंने बहुत टाइमली डिलीवर किया है। और बेसिकली ये वन ऑफ द हेल्दीएस्ट स्नैकेबल आइटम्स हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ, और देखिए क्या क्या आइटम है इसके अंदर, और आपको टेस्ट भी बताना है। अगर अच्छा ही होगा, अगर अच्छा होगा तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी होगा। और बस ये पेड प्रमोशन तो नहीं है, अगर आप स्नैकेबल वगैरह देख रहे हो तो आप करवा सकते हो, एट योर चॉइस। सो या लेट्स गो। चलो बेसिकली इसको आप अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ आती है। सो लेट्स गो। तेल तो काटना है। ये भी अपना हो गया, एंड अब इसको चलो अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो ये है पहली चीज़ अपनी, है बेरी लाइम जेस्ट नान खटाई, एज यू कैन सी। इसको इधर रख देते हैं। और दूसरी चीज़ है अपनी बारबेक्यू बीटरूट चिप्स, और तीसरी है बेक पिज़्ज़ा स्टिक्स विद जेल पेन डिप, इसको भी इधर रख देते हैं। एंड दिस इज पीटा चिप्स गार्लिक, चिली गार्लिक, इसको भी इधर रख देते हैं। और ये अपना फाइनल चीज़, ये है चटपटा क्रिस्पी स्वीट कॉर्न, इसको भी साइड में रखते हैं। और अंदर देखें क्या है। ओके, तो इसमें सारा सामान है जो भी हमारे पास है आया है, एज यू कैन सी। और चलो इसको आप टेस्ट करते हैं। मैं पहले लिटरली पहली बार इसको ट्राई करने जा रहा हूँ, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आपके साथ भी। और बेसिकली इनका पेजेस, इनके पेज होते हैं इंस्टाग्राम पे, और इनको बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी मिले थे, तो मैंने सोचा इसको ही ट्राई करते हैं आज। सो लेट्स ट्राई दिस एंड पंप अप योर बॉडी। सो लेट्स डू दिस। ओके, सो फर्स्ट आई एम गोना ट्राई नाउ। सो यार टेम्पटिंग तो मेरे को ये लग रहा है अभी, बेरी लाइम जेस्ट नान खटाई। सो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या इसका टेस्ट है। और या आई गिव द ऑनेस्ट रिव्यू टू यू ऑल, एज अच्छा ही होगा बेसिकली। मेरे को जिस हिसाब से पता चला है कि सबसे मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, तो मेरे को लाइटली मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत बहुत हेल्दी है और सबसे बहुत अच्छे स्पाइसेस यूज़ करने हैं इसमें। लेट्स डू इट, लेट्स डिग इन नाउ और देखते क्या क्या है। इट्स टाइम टू टेस्ट देम। तो फर्स्ट आई एम टेस्टिंग द बेरी लाइम जेस्ट नान खटाई। सो जस्ट इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है बेसिकली, यू कैन ईजली क्लियर फ्रॉम यूर, एंड जस्ट ओपन द बॉक, ओपन द जिप टॉक, एंड जस्ट टेक इट। इनकी पैकेजिंग इनकी बहुत यूनिक टाइप की और अच्छी भी है। एंड दिस इज जस्ट 75 grams। मैंने ज़्यादा ऑर्डर भी किया, मेरे को खाली ट्राई करना था, तो दिस ऐसे कुछ लगता है। या सो लेट्स हैव देम ब्लूबेरी। काफ़ी अच्छे हैं, और इनका जो टेस्ट आ रहा है ब्लूबेरी का बहुत कॉमन, बहुत अच्छा आ रहा है, लिटरली बहुत अच्छा है। अगर आप ये देख लो ना, अगर आपको ये ट्राई करना है प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा एक बार, लिटरली बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है इसका, परफेक्ट वन। और बहुत हेल्दी लग रहा है मेरे को बेसिकली, इसमें शुगर की बहुत कम यूज़ हुई है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है इसमें, और होल व्हीट फ्लोर से बना हुआ है, दैट्स गुड, नो रिफाइंड शुगर, गुड सोर्स ऑफ फाइबर।
वाओ. सो लेट्स गो विद अनदर आइटम एंड दिस इज लाइक बेक्ड पिज़्ज़ा स्टिक्स विद अ जेल पेनो डिप. ओके एंड इसमें डिप अंदर दे रखी है, दैट्स समथिंग गुड. और देखिए इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा हो. लेट्स डिग दिस इन नाउ. बहुत टेम्पटिंग लग रहा है तो मेरे को. कैसा होगा बेक्ड पिज़्ज़ा स्टिक्स विद अ जेल पेनो डिप. तो इसकी कोई ऐसी डिप है और अच्छी बहुत बढ़िया बहुत क्यूट लग रही है मेरे को. और लेट्स सी द डिप. ओके सो ऐसे कुछ दिखते हैं. लेट्स ट्राई देम नाउ. इसकी स्मेल बहुत ऑर्गेनिक आ रही है, मतलब बहुत मसाले यूज किए गए लेकिन बहुत प्यारी स्मेल इसकी. लिटरली आई लव द स्मेल ऑफ इट एंड बहुत फंकी आवाज आ रही है. सॉरी. वाओ इनकी स्मेल बहुत रिच है और बिल्कुल इंडियन मसालों के जैसे है. बहुत प्यारी स्मेल है इसकी. अब वेट नहीं हो रहा इसको. लेट्स जस्ट डिग इन. देखिए कैसा टेस्ट कैसा करता है. और चल लेट्स गो. पहले एक ऐसे ही ट्राई करते हैं फिश की डिप के साथ ट्राई करेंगे. ओके सो दिस इज हाउ इट लुक्स. मसालों से भरा. सो लेट्स डिग इन. स्टिक बहुत हार्ड है बट इट टेस्ट रियली वेरी गुड. मतलब पूरा फ्लेवर आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि आप पिज़्ज़ा के बेसिस खा रहे हो, बस उसमें चीज़ नहीं है. चीज़ की कमी ये पूरी कर देगी डिप. तो लेट्स डिग इन विद द डिप नाउ. Let's dig in. As I told, cheese की कमी ही ये पूरी कर देगी. That's fab, man. I think you should give it a try, man. It's really very good. I'm loving it. KFC की लाइन बोल दी. Copyright ना आ जाए. Literally, I'm loving it. It's really very good. और जो पिछला था बिल्कुल एकदम क्रंची था. आई मतलब आप उसकी वॉइस सुन भी पा रहे होगे. बहुत क्रंची था. लिटरली आई लव दैट थिंग. इसको बाद में ऑर्डर करते हैं. और अब लेट्स गो फॉर पीटा चिप्स चिली गार्लिक. ओके सो दीज आर द सम पीटा चिप्स. नाउ लेट्स डिग इन टू दिस. नाउ इनको भी हम सॉस के साथ ट्राई करते हैं लेकिन जो सॉस थी नहीं इन्हें दी नहीं तो मैं अपनी पिछली सॉस ट्राई करूँगा इसके साथ. इनकी पैकेजिंग इज रियली वेरी गुड. अप्रिशिएट. सो लेट्स अगर इनके मसाले से ज़्यादा करें तो और मज़ा आ जाती. वैसे अच्छे हैं. बिकॉज से दैट इट्स टू बैड. इट्स गुड. हेल्दी गुड. और क्या चाहिए अपन को. और इट्स दो इज वेरी क्रंची. यू नो इट्स वेरी वेरी क्रंची. और अगर आप कोई ट्रैवल टूर में ले जाते होंगे तो इट्स वे बेटर. और क्या चाहिए आपको. अगर कोई ट्रैवल करो आपको हेल्दी चीज़ें मिल रही हैं. इट्स रियली वेरी गुड. लो जस्ट हैव इट एंड हैव फन. चलो आप दूसरे पर ट्राई करते हैं. इसका भी ख़त्म कहानी. अब मेरे पास बचे हैं दो चीज़ें. एक है बीटरूट चिप्स और एक है अपना स्वीट कॉर्न. तो पहले अपन जाएगा बीटरूट से. चलो लेट्स गो. सो लेट्स अनबॉक्स दिस नाउ. ओके ये था. सो इन्होंने ऐसे ही दिए हैं. इसमें कोई प्लेट नहीं लगी है. एज यू कैन सी अगर देख पा रहे हो तो मैं आपको बस निकाल के दिखा देता हूँ. This thing looks delicious. So let's take it. This is very, very crunchy and very delicious. Not lying here.
this is something really very healthy and very good. Really, I loved it. और मसालों से भरा हुआ है ये. I love this thing. So let's go with another snack now. Not obviously anything. So, yeah. The last item of our snackable thing is this. Sweet corn. इसको ऐसे ओपन करना था. वाह, दैट्स गुड. नो, कुछ ऐसे लगते हैं. ओह शिट, ये साइड में करना पड़ेगा. ये हमारी है. कुछ ऐसा लगता है स्वीट कॉर्न. अरे जी, ये भी क्रंची. लेट्स ट्राई दिस. This तो is good, but अगर थोड़ा soft होता ना, literally बहुत crunchy है ये, लेकिन अंदर से पूरा hollow है. अंदर sweet corn का taste आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंदर hollow है. लेकिन थोड़ी filling होती है ना अंदर मसालों की, तो बहुत अच्छा लगता. This I would give 5 out of 10, and yeah, it's good. If you want to try anything of this, link description में, do go there and order their snackable items. दे आर रियली वेरी गुड. बट इससे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी मेरे को, जो हुई नहीं अच्छी. आई एम स्टिल लिकिंग माई हैंड. इट मीन्स इट्स गुड. सो लेट्स गो, लेट्स सी. एंड येस, इफ यू वॉचिंग द वीडियो नाउ, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आगे आके ऐसी वीडियोज आती रहेंगी. और अभी अपना ट्रिप भी ऑन है, उसके भी आपको एपिसोड दिखते रहेंगे. टिल देन, बाय, सी यू. सत श्री अकाल. इसका बिल मेरे पास, ये पेड प्रमोशन नहीं था. इसका बिल भी मेरे पास पूरा, मैंने इसके 398 rupees कुछ पे किए हैं. एज यू कैन सी, क्लियर हो रहा होगा. हाँ, 398 rupees पूरा पे किए हैं. और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था. इसका बिल मेरे पास सब कुछ आया. मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, तो यही बना दिया. मेरे पास ये पास आया था यूनिकली, और यही बना दिया मैंने. होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू डिड, डू लाइक, शेयर, कमेंट.